क्या आप अपना पैशन दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं और क्या आप सीखना चाहते हैं कि ऑनलाइन कोर्स कैसे बनाया जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस वीडियो में आई विल शेयर हाउ टू क्रिएट अ सक्सेसफुल ऑनलाइन कोर्स इन जस्ट 6 स्टेप। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू। स्टेप वन, पिक द परफेक्ट टॉपिक एंड द टारगेट ऑडियंस। ऑनलाइन कोर्स बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि कोई ऐसा टॉपिक चूज करना जो आपके पैशन और एक्सपर्टीज को शो करता हो, साथ ही में मार्केट में जिसकी डिमांड भी हो। ऐसा टॉपिक चूज करें जिसके बारे में आप बात करना इंजॉय करते हैं एंड इट विल हेल्प यू टू कीप गोइंग इन द प्रोसेस एंड डिलीवरिंग जेन्युइन एंथुजियाज्म। और आपका एंथुजियाज्म देख आपके व्यूअर्स भी इस टॉपिक के बारे में एक्साइटेड और क्यूरियस हो जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एक क्रेडिबल सोर्स के रूप में एस्टेब्लिश करें। फॉर दैट जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री और सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए। अगर आपने उस इंडस्ट्री में कई साल काम किया है, इस सब्जेक्ट पे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है और आपने अपनी स्किल्स गेन की है तो ये चीज़ भी आपको एक क्रेडिबल सोर्स बनाती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका कोर्स केवल क्रिएटिव और बिजनेस फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। यू कैन शेयर योर ओन जीरो टू हीरो पर्सनल जर्नी, जैसे कि डीलिंग विद द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन वेब डेवलपमेंट फील्ड। अगर आपके पास पहले से ही ऑडियंस बेस है तो आप उनके कॉमन क्वेश्चंस या कॉमन कमेंट्स से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं एंड क्या सीखना चाहते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग कि आप किस बारे में पैशनेट हैं और किस से रिलेटेड आपका नॉलेज है, देन चेक कि मार्केट में उस टॉपिक की क्या डिमांड है, क्या लोग ये टॉपिक सर्च कर रहे हैं और क्या आप इसमें पैसे बना सकते हैं। किसी टॉपिक की पॉपुलैरिटी चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है गूगल कीवर्ड प्लानर जैसे सर्च टूल का यूज़ करना। ये टूल आपको एक एस्टिमेट देगा कि कितने लोग इस टॉपिक को गूगल पर सर्च कर रहे हैं। इसके लिए आप गूगल ट्रेंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप देख पाएंगे कि समय के साथ इस टॉपिक में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और कोर्स के लिए परफेक्ट लॉन्च डेट फाइंड करने के लिए भी गूगल ट्रेंड्स आपकी मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, गोल सेटिंग इज यूजुअली अ हॉट टॉपिक फ्रॉम लेट दिसंबर टू द बिगनिंग ऑफ जनवरी। और अगर आप अपना कोर्स लॉन्च करते हैं गोल सेटिंग से रिलेटेड वो भी जून में, सो इट माइट नॉट ब्रिंग द बेस्ट रिजल्ट्स। अब नेक्स्ट स्टेप है कस्टमर रिसर्च। इससे आप अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड सही मायने में उनके गोल्स एंड पेन पॉइंट समझ पाएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप बड़े और छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए कोई ऑनलाइन स्टोर बिल्डिंग पर कोर्स बना रहे हैं तो इन दो तरह के बिजनेस ओनर्स के लिए आपका कोर्स कंटेंट बिल्कुल अलग होना चाहिए। याद रखें, इफ यू ट्राई टू सेल एवरीवन यू माइट एंड अप सेलिंग टू नो वन। स्टेप टू, मेक एन आउटलाइन। अपना कोर्स बनाने से पहले अपने टॉपिक पर अच्छे से रिसर्च करें। रिसर्च के लिए बुक पढ़ें या फिर अपने कंप्यूटर्स की क्लासेस और वेबिनार्स देखें। अपने टॉपिक से जुड़े सवाल जानने के लिए कीवर्ड सर्च और रेडिट जैसे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म ब्राउज करें ताकि आप समझ पाएं कि आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या हैं और आप उनके लिए वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद अब समय आता है ऑनलाइन कोर्स का करिकुलम बनाने का। सबसे पहले कोर्स के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी ये फिक्स करें। उसके लिए आप इस स्टेटमेंट को फिल करने का ट्राई करें। इस कोर्स के पूरा होने पर स्टूडेंट्स ब्लैंक कर पाएंगे। एग्जांपल, ये कोर्स पूरा करने के बाद मेरे स्टूडेंट एक अट्रैक्टिव ऑनलाइन पोर्टफोलियो खुद डिजाइन कर पाएंगे। एंड गोल सेट करने से मेजरेबल कोर्स प्लान करने में मदद मिलती है। साथ ही याद रहे कि कोर्स के दौरान अपनी ऑडियंस को स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहना बहुत जरूरी है। लर्निंग प्रोसेस को स्मूथ रखने के लिए जरूरी है कि आपका कोर्स प्लान एक लॉजिकल सीक्वेंस में चलता रहे। उसके लिए आप लेसन्स की लिस्ट बनाएं और उन्हें सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डिजिटल पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, उसकी ये कोर्स आउटलाइन है। इसमें
कोर्स का टाइटल है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और 5 मॉड्यूल है जिन्हें कई सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। अपने कोर्स को और भी अपीलिंग और वैल्यूएबल बनाने की आपको एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ, एड अ बोनस लेसन फॉर शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन द कोर्स टॉपिक। ऐसा करने से पॉसिबल है कि पीपल चूज योर कोर्स ओवर योर कॉम्पिटिटर। अब जब हमने अपनी कोर्स आउटलाइन बना ली है, बढ़ते हैं अपने लिए बेस्ट कंटेंट फॉर्मेट चुनने की ओर। अपने आइडियाज़ को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा और साधारण तरीका है वीडियो लेसन। जब आपको कोई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझानी हो तो वॉक थ्रूज बढ़िया होते हैं। टेक्स्ट तब के लिए अच्छा है जब आप कोई कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाना चाहते हैं और दूसरे रिसोर्स के लिंक भी उसमें शामिल करना चाहते हैं, लाइक डाउनलोडेबल मटेरियल्स जैसे कि वर्कशीट्स, टेम्पलेट्स, एंड इससे आपके स्टूडेंट्स को सीखी हुई बातें अप्लाई करने में मदद मिलती है। तो ये आपके टॉपिक और कोर्स टाइप पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सा फॉर्मेट सबसे अच्छा है। अगर आप गार्डनिंग पर अफोर्डेबल मिनी कोर्स करना चाहते हैं तो ईमेल सीरीज एक सुटेबल फॉर्मेट होगा। उसमें आप इमेज और प्रिंटेबल मटेरियल्स भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी ईमेल सीरीज किसी लाइक योगा कोर्स के लिए सुटेबल नहीं रहेगी। मोस्टली योगा इंस्ट्रक्टर्स वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो कई सीन्स को एक साथ एंगेज कर पाते हैं जिससे स्टूडेंट्स को तेजी से समझने में मदद मिलती है। और अगर आप कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरा पर आएंगे सिर्फ तभी आपका कोर्स आगे बढ़ेगा। आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या इमेज या एनिमेशन वाली स्लाइड्स दिखा सकते हैं। इस मेथड का दूसरा फ़ायदा ये है कि वीडियो प्रोडक्शन और एडिटिंग बहुत आसान हो जाती है, बट अगेन ये आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अलग अलग कोर्स फॉर्मेट मिक्स करें, आपके हर फॉर्मेट के फ़ायदे मिलेंगे और आप अपने स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोसेस में इंगेज रख पाएंगे। अब हम आ गए हैं प्रोडक्शन फेज में, जो आपके ऑनलाइन कोर्स का नेक्स्ट स्टेप है। अगर आपने तय किया है कि आप खुद कैमरे पर आएंगे तो स्क्रिप्ट बना लें या अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आउटलाइन बना लें ताकि आप अपना मैसेज साफ साफ अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकें। इतना करने के बाद अपना कैमरा, बैकग्राउंड और लाइटिंग के मेथड पर ध्यान दें। क्या आपका बजट अच्छा खासा है? अगर है तो आप किसी स्टूडियो को रेंट कर सकते हैं, उससे आपका कंटेंट एकदम प्रोफेशनल दिखेगा। और अगर नहीं है तो अच्छी लाइटिंग के साथ कैमरा या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने घर पर ही वीडियो शूट करना चाहते हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप स्लाइड्स इस्तेमाल करने वाले हैं तो प्रेजेंटेशन बनाने और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से शुरुआत करें। OBS स्टूडियो सबसे अच्छा फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर में से एक। ये टूल विंडोज़, मैक, iOS एंड लिनक्स के लिए अवेलेबल है। फिर आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें, चाहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ करें या बाद में अलग से करें, जो भी आपके लिए ज़्यादा आसान हो। लेकिन एक्सटर्नल माइक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप बेस्ट क्वालिटी ऑडियो पा सकें। जब रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए तो अननेसेसरी क्लिप्स को कट करने के अलावा अपनी वीडियो को और आकर्षित बनाने के लिए उसमें लोगोस, टेक्स्ट या इमेज ऐड करना ना भूलें। बिगनर्स के लिए फिल्मोरा सबसे अच्छे वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम्स में से एक है। सिर्फ $20 पर मंथ की कीमत पे आपको मिलता है बढ़िया एडिटिंग फीचर और 1 लाख से भी ज़्यादा क्रिएटिव एसेट्स का एक्सेस, जैसे लाइक टाइटल, एनिमेशन और फिल्टर्स। और अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आप iMovie डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक फ्री मैक OS वीडियो एडिटर है। अब बारी है ये डिसाइड करने की कि आप अपना ऑनलाइन कोर्स कहाँ होस्ट करेंगे। आज कई तरह के प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं और हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिक फीचर हैं। तो अब मैं आपको 4 टॉप ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है यूडेमी। फॉर योर फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स यूडेमी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये कोर्स क्रिएशन से लेके मार्केटिंग तक का ओवरऑल प्रोसेस बहुत आसानी से बना देता है। इस प्लेटफॉर्म में कई ऐसे फीचर्स हैं जिनसे आपको अपना कोर्स इंगेजिंग और इंटरेक्टिव बनाने में मदद मिलेगी, जैसे कि क्विज, कोडिंग एक्सरसाइजेस और डिस्कशन सेक्शन। और अगर आप वीडियो क्वालिटी को लेके श्योर नहीं है तो ऐसे में यूडेमी की इंस्ट्रक्टर सपोर्ट टीम आपके वीडियोस को टेस्ट करेंगी, रिव्यूज़ करेंगी और आपको फीडबैक देंगी।
आपको अपनी पहली कुछ सेल्स के बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूडेमी आपके कोर्स को प्रमोट करने के लिए ऑप्शनल मार्केटिंग प्रोग्राम ऑफर करता है, इंक्लूडिंग गेटिंग फीचर्ड इन देयर ईमेल ब्लास्ट एंड बीइंग द पार्ट ऑफ देयर साइट वाइड डिस्काउंट। यूडेमी पर कोर्स लॉन्च करने का कोई अपफ्रंट कोस्ट नहीं है, बट द प्लेटफॉर्म विल चार्ज 3% ऑफ योर रेवेन्यू इफ स्टूडेंट परचेज कोर्स यूजिंग योर कूपन और रेफरल लिंक। लेकिन अगर स्टूडेंट सीधे यूडेमी मार्केट प्लेस पर जाकर उनकी एड्स पर क्लिक कर कोई कोर्स खरीदते हैं, तब यूडेमी आपके रेवेन्यू का 63% एज कमीशन चार्ज करती है। यूडेमी की सबसे बड़ी कमी पर्सनल प्रमोशंस को लेके उनके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जिनकी वजह से यूजर्स अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने कोर्स और ब्रांडिंग पर ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो यूट्यूब आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यूट्यूब का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो पब्लिश करना बिल्कुल फ्री है, और अपनी वीडियोस को मोनेटाइज करने के कई तरीके हैं। एड्स टर्न ऑन करना पैसे कमाने का सबसे कॉमन तरीका है, बट द अर्निंग्स वोंट बी द ग्रेट, सो कंसिडर सेटिंग अप चैनल मेंबरशिप और अपने सब्सक्राइबर को एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस, बैजेस एंड लाइव चैट फीचर ऑफर करें। एंड फॉर मोर, आप अपने व्यूवर्स को एडिशनल मटेरियल खरीदने के लिए भी बोल सकते हैं, ताकि वो आपका कोर्स अच्छे से समझ पाएं। और हाल ही में YouTube ने सुपर थैंक्स फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जिसके द्वारा क्रिएटर्स अपने व्यूवर्स से डोनेशन पा सकते हैं। YouTube की सबसे बड़ी कमी है कंपटीशन। YouTube पर हर नीश रिलेटेड लाखों वीडियोस अवेलेबल हैं, इसलिए YouTube पर अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने और पैसे कमाने में आपको कई महीने का समय लग सकता है। अगर आपके कोर्सेज Web3, क्रिप्टो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में है, तो आप बिट डिग्री पर अपना कोर्स लॉन्च करने के बारे में सोच सकते हैं। बिट डिग्री एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल कंप्यूटिंग स्किल्स पे फोकस करता है, जैसे वेब और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, NFT और क्रिप्टो ट्रेडिंग। एंड स्टूडेंट्स के नज़रिए से इस प्लेटफॉर्म का एक अनोखा सिस्टम है, जो उन्हें सेशन पूरा करने पर एज अ रिवॉर्ड टोकन देता है, जिससे वो अगला कोर्स खरीद सकते हैं। बिट डिग्री इंस्ट्रक्टर्स को पर्सनल असिस्टेंट भी ऑफर करता है टू हेल्प विद कोर्स डिस्क्रिप्शन एंड फीडबैक अबाउट द कोर्सेज। यू ऑल्सो गेट 99% ऑफ योर ऑनलाइन कोर्स रेवेन्यू, यानी कि बिट डिग्री सिर्फ 1% कमीशन चार्ज करता है। लेकिन अगर आप अपने कोर्स और प्लेटफॉर्म पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं। तो इसमें ब्रांडिंग एंड कंटेंट फॉर्मेट भी आप पूरी तरह से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आपको अपना रेवेन्यू किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा और सारे प्रॉफिट सिर्फ आपके होंगे। एंड वेबसाइट बनाने के लिए आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए यू कैन विजिट होस्टिंगर टू फाइंड व्हाट प्लान्स आर अवेलेबल। आई रिकमेंड बिजनेस वर्डप्रेस, क्योंकि इट कम्स विद अनलिमिटेड बैंडविड्थ एंड 200 GB ऑफ SSD स्टोरेज एंड परफेक्ट फॉर एनी कोर्स फॉर्मेट। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज कूपन कोड HA10 टू गेट 10% ऑफ ऑन योर परचेज। And इतना ही नहीं, this plan also includes a free domain name which you can use for your new website. And for more details, you can check our video how to make a website. And एक बार website setup हो जाने पे आपको learning management system या LMS plugin की जरूरत पड़ेगी। LMS plugin की मदद से you can manage the course, create and grade quizzes, accept payments and more. There are many LMS plugins available, but मैं आपको recommend करूँगी Lifter LMS. Lifter LMS में आपको easy to use course builder, discussion areas and various payment integration options मिलती हैं. You can also engage with your student by providing private coaching certificates and personalized. इस plugin के free version में पहले से ही सारे ज़रूरी tools included हैं, इसलिए काफ़ी users सिर्फ payment एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अगर आपको कस्टमर सपोर्ट एंड एडोन्स चाहिए, तो आप लिफ्टर के प्रीमियम वर्जन को ट्राई कर सकते हैं। नाउ दैट योर ऑनलाइन कोर्स इज रेडी, अब टाइम है प्राइस सेट करने का। टू बेटर अंडरस्टैंड कि हाउ यू शुड प्राइस योर ऑनलाइन कोर्स, रिसर्च योर कंपटीटर्स प्राइस। इट विल हेल्प यू टू अवॉइड चार्जिंग टू मच और टू लिटल। इसके बाद क्रिएट सेल्स पेज। इस पेज पर अपना बायो,
और अपने कोर्स की इंफॉर्मेशन, लर्निंग आउटकम्स, प्राइसिंग डिटेल्स के बारे में बताएं। इसके बाद अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्लान करें। उसके लिए यू कैन स्टार्ट बाय गिविंग अर्ली बर्ड डिस्काउंट एंड यूजिंग पेड एड्स। अनदर ग्रेट आइडिया इज टू होस्ट अ फ्री वेबिनार ऑन द टॉपिक एंड पार्टिसिपेंट को आप कोर्स फी पर डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। अगर आप यूडेमी या बिट डिग्री जैसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो चेक करें कि क्या आप उनके प्रमोशन पैकेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ ऑनलाइन कोर्स इन 6 steps। क्रिएटिंग एन ऑनलाइन कोर्स माइट इनिशियली अपीयर्स चैलेंजिंग बट इट्स एंटायरली अचीवेबल विद द राइट अप्रोच। तो सही स्टेप्स को फॉलो करें और सही टूल्स का इस्तेमाल करें एंड यू कैन ऑल्सो मेक एन ऑनलाइन कोर्स टू शेयर योर नॉलेज एंड जनरेट इनकम। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लेने के बाद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें। और हाँ, जब भी आप hostinger.in पर कोई प्लान खरीदें तो डोंट फॉरगेट टू यूज कूपन कोड HA10 टू गेट 10% ऑफ ऑन योर परचेज। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।